बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सत्संग के पिछले भाग में आपने देखा कि बुल्ले शाह किस प्रकार अपने मुर्शिद पर न्योछावर थे, किस प्रकार उसने अपने मुर्शिद से प्रेम किया, प्रेम की मिसाल बनकर जो आज तक जगमगा रहे हैं। प्रेमियों, बुल्ले शाह की जीवनी को आपने अच्छी तरह से जान लिया, किंतु आज इस सत्संग में हम बात करने वाले हैं बुल्ले शाह के द्वारा बताए गए उस रूहानी उपदेश को, उस रूहानियत का श्रवण करने वाले हैं जो बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में बताया है। तो प्रेमियों, इससे पहले हम इस सत्संग की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सतगुरु प्रेमियों, संत का न कोई धर्म होता है न कोई जात। संत केवल इस जगत में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, वे परमात्मा का नूर होते हैं। परमात्मा जो निराकार है, खुद सतगुरु का रूप धारण करके साकार होते हैं और अपनी प्यासी रूहों को, अपनी प्रेमी रूहों को सच्चा मार्ग दिखाकर उन्हें अपने निज घर में ले जाते हैं। प्रेमियों, बुल्ले शाह भी ऐसे ही पूर्ण संत कामिल मुर्शिद थे। सूफी मत उस अमली रूहानी साधना का नाम है जिसके द्वारा परमात्मा के प्रेमी और भगत अपने मन, अपने अहंकार का नाश करके परमात्मा से मिलाप की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सूफी, दरवेश, फकीर, उन मुसलमान संतों को कहा जाता है जिन्होंने अपने अंदर अहं भाव को त्याग कर रूहानी अभ्यास के द्वारा अपने अंदर सहज ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और वे इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य मन, इंद्रियों और बुद्धि के परे ऐसी निर्मल रूहानी अवस्था प्राप्त कर सकता है जिसमें उसको संसार में दिखाई दे रही हर वस्तु क्षण भंगुर दिखाई देती है। इस संसार के पीछे छिपी हुई एक अमर सर्वव्यापक एकता का ज्ञान हो जाता है। ऐसे अद्भुत अनुभव के द्वारा जीवात्मा समय और स्थान के बंधन और इनके कारण पैदा हुए अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकती है। प्रेमियों, साईं बुल्ले शाह की वाणी मनुष्य के इसी निरंतर प्रयत्न की एक कड़ी शक्तिशाली कड़ी है। सच्ची रूहानियत की दूसरी आवश्यक मान्यता यह है कि मन और इंद्रियां आत्मा के कार्यशील होने के यंत्र है। इनके द्वारा कार्यशील होने वाली आत्मा
स्वयं इनसे अलग है। आत्मा का अस्तित्व न तो शरीर और मन इंद्रियों पर आधारित है और न ही ये आत्मा की प्रकृति को बदल सकते हैं। मन माया का साथ लेने के कारण आत्मा के ये सभी गुण दब चुके हैं। जिस प्रकार आग धुएं में ढक जाती है किंतु जब धुआं खत्म होता है तो वापस दिखाई देने लग जाती है, तो यह माया रूपी धुआं आत्मा को छुपाए हुए है। प्रेमियों, साईं बुल्ले शाह समझाते हैं कि हे आत्मा, तू परमात्मा की भांति अनंत प्रकाश में अखंड चेतन और आनंद स्वरूप है। तू मन इंद्रियों का साथ छोड़कर अपने मूल को पहचान। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें परमात्मा वाले सभी गुण विद्यमान हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ला शाह संभाल तू आप ताई, तू ता अनंग लग देह में कहां सोए। फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ला शाह संभाल जब आप देखा, सदा सोहंग प्रकाश होए जुलदाए। सुख रूप अखंड चेतन है तू, बुल्ला शाह पुकार दे वेद चारे। साईं बुल्ले शाह ने मनुष्य के सामने अपने आपे अर्थात अपने मूल की पहचान का प्रश्न खड़ा किया है कि कहते हैं कि हे प्राणी, तू ध्यान पूर्वक सोच, कहां से आया है, कहां तुझे जाना है। बुल्ले शाह कहते हैं, तू किधरो आया, किधरे जाना, अपना दस ठिकाना। प्रेमियों, उस मार्ग पर जाने के लिए, उस अपने निज धाम में जाने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए रास्ता केवल एक ही है। कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई भी किसी धर्म का, किसी भी जात का हो, सबको उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। उसी नाम को लेकर चलना पड़ेगा, उसी टिकट को लेकर चलना पड़ेगा, उसी शब्द के सहारे चलना पड़ेगा। यह जात पात धर्म हमने मन की मति के अनुसार आकर बनाए हैं। हम सब में उस परमात्मा की अंश, एक ही आत्मा का निवास है। हम सबके अंदर एक आत्मा है, एक ज्योति है, कोई भेद नहीं है। एक घर से आए हैं, एक घर को जाएंगे, किंतु आने और जाने के बीच के रास्ते में हमने इतने सारे दीवार, इतने सारे संकट, इतनी सारी अड़चनें, इतने सारे विवाद खड़े कर लिए कि हम अपने घर को ही भूल गए। आने जाने के रास्ते के बीच में ही हम एक दूसरे से इस प्रकार लड़ने लगे, हम उन्हें अलग समझने लगे कि वो दूसरे हैं, हम दूसरे हैं, लेकिन यही माया का पर्दा है। हम सब एक मालिक के अंश हैं, उस मालिक की औलाद हैं, उसी के पास जाना है, उसी के घर से आए हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि शरीर आत्मा के सहारे खड़ा है। आत्मा अमर है, अनादि है, अजन्मी है। यह किसी मजहब मुल्क के बंधन में नहीं आता। यह भले बुरे, सुख दुख, मित्र शत्रु, हर प्रकार की द्वैत भावना से ऊपर है। यह पांच तत्वों से भी नहीं बनी। यह प्रकाश रूप है। आत्मा संसार की रचना से पहले भी थी, संसार की समाप्ति पर भी इसका अस्तित्व रहेगा।
प्रेमियों, संत महापुरुष किसी भी धर्म में आ जाएं, सब एक ही बात बताते हैं, एक ही उपदेश देते हैं। उनका रास्ता एक ही होता है कि उस कुल मालिक के घर को जाना है, निज घर को जाना है। बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ने मैं मोमन विच मसीता, ने मैं विच कुफर दिया रीता, ने मैं पाका विच पलीता, ने मैं मूसा ने मैं फरोन, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह फिर कहते हैं कि ने मैं अंदर वेद किताबा, ना मैं विच भांगा न शराबा, ना विच रिंदा मस्त खराबा, ना विच जागण ना विच सोण, बुल्ला की जाने मैं कौन। बुल्ले शाह फिर कहते हैं ना विच साथी ना गम ना गीन, ना मैं विच पलीती पाको, ना मैं आंबी ना मैं खाकी, मैं आतिश ने मैं पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह फिर कहते हैं ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना हिंदू ने तुर्क पसोरी, ना मैं रहिंदा विच नदोन, बुल्ला की जाना मैं कौन। फिर कहते हैं कि ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवदा जाया, ना मैं अपना नाम धराया, ना विच बैठन ना विच मोन, बुल्ला की जाना मैं कौन। फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि अव्वल आखर आप नु जाना, ना कोई दूजा होर पछाणा, मैथो होर ने कोई सियाणा, बुल्ला शाह खड़ा है कौन। प्रेमियों ये गूढ़ रहस्य की बातें हैं। बुल्ले शाह कहते हैं ना मैं किसी रीति रिवाज में हूं, ना किसी मस्जिद में हूं, ना किसी मंदिर में हूं, ना मैं राजाओं में हूं, ना मैं फकीरों में हूं, ना मैं वेद किताबे में हूं, ना किसी भांग शराबों में हूं, ना मस्त रहने में, ना मैं खराब रहने में, ना मैं जागने में, ना मैं सोने में, ना शादी में, ना गम में, ना किसी खुशी में, ना अरबी में, ना लाहौरी में, ना हिंदी में, ना शहर में, ना हिंदू हूं, ना तुर्क हूं। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं कौन हूं। बुल्ले शाह बताते हैं कि दूसरा कोई और है ही नहीं, जो सब है वही मैं हूं, केवल एक परमात्मा का नूर, दूसरा कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि अव्वल आखर आपनु जाना, और न दूजा कोई पछाणा, मैं तो होर न कोई सियाणा, बुल्ला सो खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो प्रेमियों ये बुल्ले शाह की रूहानियत की बातें। मन और इंद्रियों से बंधा जीव अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, परंतु इसमें इन बंधनों को तोड़कर फिर से आजाद होने की शक्ति है। फिर से यह 84 लाख योनियों के बंधन से बाहर आ सकता है, अपने निज घर को जा सकता है, किंतु माया के पर्दे के कारण यह पहचान नहीं पा रहा। बुल्ले शाह कहते हैं कि हम वे कैद मन वे कैद, न रोगी न बैद, न मैं मोमन ना मैं काफर, ना मुल्ला ना सैद, चौधी तबकी सहर साडा, किते ने हुदा कैद। प्रेमियों यह सही है कि संसार में आत्मा मनुष्य बनकर आई है, पर यह बहुत ऊंचे स्थान और ऊंची हकीकत है,
कि इसमें उस स्थान पर वापस जाने और उस सत्य में समाकर उसका रूप हो जाने की सामर्थ्य सदा बनी रहती है। बुल्ले शाह कहते हैं, तू उस मुकामो आया है, एथे आदम बन के आया है। बुल्ला शाह विवेक विचार कीती, खुदी छोड़ खुद होए खसम साई, खुदी खोई अपना पद लीता, तब होई कल खैर पाई। प्रेमियों, आप सब उस मुकाम से, उस रास्ते से, उस जगह से आए हैं, यहां पर आदमी बनकर आए हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि बहुत विचार कर लिया, जब खुद को छोड़ दिया और उस मालिक के होए, तब जाकर अपने वापिस घर को गए, तब जाकर हमारी गल बनी, हमारी बात बनी। तो प्रेमियों, इस प्रकार साईं बुल्ले शाह के रूहानी उपदेश रूहानियत से भरे हुए, इतना गूढ़ संदेश, इतने गूढ़ उपदेश महापुरुषों ने हमारे लिए किए हैं, हमें सत्संग फरमाए हैं, किंतु हम अज्ञानी जीव फिर भी जाग नहीं रहे, क्योंकि हम मन के अंदर इतने फंसे हुए हैं, हम इंद्रियों के भोगों में ऐसे फंसे हुए हैं, उन्होंने ऐसा जकड़ा हुआ है, हम जानकर भी जाग नहीं पा रहे। तो प्रेमियों, यह था आज का साईं बुल्ले शाह का रूहानी उपदेश। ऐसे ही हर रोज आपको साईं बुल्ले शाह के उपदेश, उनके सत्संग, उनकी वाणी, उनकी रूहानियत की बातें आपको बताई जाएंगी, ताकि आप भी उस मालिक की ओर जुड़ें, आप भी उस सतमार्ग पर चले, उस सच्चे मार्ग पर जाकर उस मालिक के दर्शन करें, दीदार करें, आपका मन भी उसकी ओर मुड़ जाए, आपके अंदर भी वो लगन पैदा हो जाए। तो इसलिए हम बार बार आपके लिए ये रूहानियत के संदेश लेकर आते हैं, महापुरुषों की वाणी लेकर आते हैं। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।